अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। पहलवानी पंजाब का सकाफती और रिवायती खेल है, लेकिन पिछले चंद सालों में पूरा का पूरा पाकिस्तान पहलवान बन चुका है, गुर्बत से लड़ लड़ के। एक तरफ अवाम बेचारे गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के साथ गुत्थम गुत्था है, तो दूसरी तरफ सियासतदानों के दरमियान इकतदार का दंगल जारी है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हालात से लड़ी जाने वाली कुश्ती नूरा नहीं होती। वैसे पंजाब की सरजमीन ने बड़े बड़े रुस्तम पैदा किए हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से फ़ने पहलवानी जवाल का शिकार है। अच्छा, वैसे एक बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी पहलवान हैं ना, सबकी कदर करनी चाहिए। भाई आप देख लेना कि ऐसे दौर में जहाँ पर दाल रोटी चलाना मुश्किल है, वहाँ पर पहलवान बनना बिजली का बहरान ख़त्म करने के बराबर है। आइए लेकर चलते हैं आज आपको एक अखाड़े में, जहाँ पर फ़ने पहलवानी को ज़िंदा रखने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हालात के पेश नज़र कुछ पहलवान दूसरे ऑप्शंस पर गौर भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि अखाड़े में आज क्या हो रहा है, लेट्स सी। ओ काले बड़ा ना होना दुनिया तेरा। आप मुझे ये बताइए कि गुर्ज आपने किस मुकाबले में जीता था? मैं कुत्ते ने ठुड्डे मारे सन, कुश्ती जीते हैं। ये पता कि गुर्ज नहीं गा, गुर्ज खलीफा हैगा, ये वर्ल्ड कप है। इस गुर्ज का वजन कितना है? ये होएगा मेरे का 30 किलो था जी। इतना वजनी गुर्ज इतनी आसानी से उठा रहे? बेटे फुराका खोइए देसी। हाँ जी, मैं इंदा खलीफा हूँ। वैसे ये जो गुर्ज के आगे वाला हिस्सा है ना, ये आपके मुंह के साथ काफी मिल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी आपने अपना फेस देखा है? ये किसी चीज पूरा नहीं होता तेरा फेस। भाई आपको जलने की जरूरत नहीं है, मैं हेल्दी खाना खाती हूँ इसलिए ऐसी। टाइटल क्या है आपके पास? रुस्तम पाकिस्तान, रुस्तम पंजाब, रुस्तम पिंडी पटिया। पिंडी मटिया से आप? हाँ जी, अरे लास्ट कुश्ती जीती है उतू मिला सानू। पहलवानों ने इहनिया खुराका खादिया ने, आई एम श्योर हथां नाल बस चुक लेंदे ने। अरे इंज करके बस चुकी है, बच्चा रोन लग पिया कहंदा मेरी बस वापस कर। काले दा पहला मुकाबला किहदे नाल? किसके साथ है? खली दे नाल। वो तो इनको पटख देंगे। एक बारी काले दा उहदी धुन नूं हथ पै गया ना, सिर्फ खली दा मूंह इत्थे तक ले आना है। उस बाद जो खली नूं होश आ जावे ना फिर दसना मैनू। ए पुत्र रख दे, मैं लगदा वेचन बैठा होया। वीना जी माशाल्लाह, क्या हुआ? अज ते कुड़ियां दा ढेर ही लगा पिया है। इत्थे इक बाबा जी बैंदे सी, ओह किथे ने? पहलवान जी, एक बाबा जी देकर हमने 3 लड़कियां ले ली। काले पहलवान जी, ये ता जी पुत्र परे हो जा, मैं बेहोश होने लगा, परे हो जा। मैं देखकर इतने स्टाइल में क्यों बैठ के? मैं तो सिर्फ स्टाइल तो मैं वैसे पहलवान जी एक बात बताऊं आपको, आप बहुत ही बुरे लगे। तोड़े भी मुंह की तारीफ नहीं की, सेम टू यू। दरमियान जी बची बैठी है, ये मैं स्टीफनी याद आती है। स्टेफनी मैकमैन। पहलवानी में बड़ी बड़ी खवातीन मशहूर हैं। हमीदा बानो नामी एक खातून थी, 1950 की दहाई में तो किसी खातून का पहलवान होना अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात थी। 32 साल उनकी उम्र थी। उसने एक शर्त भी रखी थी कि जो भी शख्स पहलवानी के अंदर मुझे हराएगा ना, मैं उससे शादी कर लूंगी। उसके बाद बड़े बड़े पहलवानों ने कोशिश की मगर कोई इसे हरा नहीं सका। उसकी जो खासियत थी, 237 पाउंड उसका वजन था, 6 लीटर तो वो दूध पीती थी, 1 पाउंड बादाम खाती थी, 2 पाउंड मटन खाती थी डेली बेसिस पे। देख रहे हो, ये परसों का भूखा होगा। सिर्फ किसी बंदे ने कहता है कि पुत्र भुखा कुकड़ बहुत लड़ता है। अरे मगध एक बार मैं लबन गया वहां, सरदाई चुके चारा मगध बगैर नहीं बनती। ये मगध भी पुठा ले आंदा है, बकरे दा मगध ले आंदा। अरे चार मगध सीड्स होते हैं। इन्हे वीना जी एक दिन ना बांदर दा मगध इन खवाता। बांदर? हां, ये पंजवा मगध खवाता बांदर दा इनू। ये ऐन लड़ाई दे टाइम ना दरख्ते चढ़ गया। चढ़दे सूरज डग 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 डग। आया मेरा शेर। ये तो डूबता सूरज लग रहा है मुझे, बल्कि डूबा हुआ है। पता कि ये चढ़दा सूरज, ये सिर्फ कपड़े मैले पाया है। तानू वैसे ही डूबिया लग रहा है। ले पुत्र ले आओ जी। पुत्र जौन सीना दी लत तोड़नी मेरे पुत्र ने। मैं दोवें तोड़ देंगा उस्ताद जी। आ जा भाई पुत्र। हां जी, पक्के हाथ पाने ने, कच्चे ने। खलीफा जी जी मुनसुबी की जगह आ जाओ। आ जाओ जी, क्योंकि साढ़े मुनसुब बड़े तुसी हो। अच्छा, ये वार्म अप मैचेस हो रहे हैं। हां जी, मैं कहना कि जरा तू तगड़े जानगे ना। हाँ। तो तूफान मचाएंगे। वैसे पहलवान तो बड़े लाल गुलाबी से होते हैं, ये कैसी रंगत है इनकी? असी को रिश्ता लेना है।
1 2 3 ढग 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 ला पुठी ला पुठी ला पुठी पुठी ला ढग 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 ओए मैं काला समझिया सी ये तो विच ताया निकलया है शर्मिली आ मेरा पुत डग 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 भरतनाट्यम भी आता ही बताए पहलवानी के मुकाबले नाच नाच के जीतता है देखो पब्लिक एंटरटेन भी करना है ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਜੀਬ ਸਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਇਨ ਪਹਿਲਵਾਨੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨੋਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਈਅਤ ਸੇ ਆਪਣੀ ਜਸਾਮਤ ਸੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਲਾਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਹਮ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਨ ਪਹਿਲਵਾਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸੋਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋ ਦੇਖਾ ਵੈ ਆਪਨੇ उनका जो वेट होता है ना वो ही उनकी खास बात होती है जिसका जितना ज्यादा वजन होगा ना उतना ही वो अपने हरीफ के लिए मुश्किल टारगेट होता है मैं खुलिया वीना जी मेरा वो दिल लंगोटे हाथ फस गया फसया भी पिछली साइड पे वो अन्नी दा बच्चे ने घुमा घुमा के मेरे कंधा च मारिया कुछ तो बाद मेरा इन्ना टैट हाथ फसया सी कि मैनूं घर भी लै गया आपने कमाल पे कर दियो अपना बबलू अच्छा बबलू थोड़ा पहलवान लग रहा है पुत्र एक नसीहत याद रखना जी बिस्मिल्लाह कुछ भी हो जाए थोड़े ते दबाव भी हो सामना पहलवान तुम विड विखा के डरावे भी खाड़ा छड़ के भजना नहीं है उस्ताद जी तुम्हारे वास्ते जान भी हाजिर है जान है भी अन्ने वाह काले जी पहलवान जी तेरे तो मैंने शक के पुत्र तेन किसी ने नगद 500 दिता तू मैंने छड़ जाना जमीर पका रखी जमीर नहीं बेचना जे जमीर ना बेचा तो जीतेगा थोड़ा उस्ताद ही आपको इतना यकीन है कि आपके पट्टे जीतेंगे दो ढाई अक्सरियत ना जीतेंगे ये पट्टे दंगल लड़ रहे हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं आजकल दंगल ते इलेक्शन की फर्क रह गया हाँ ये तो है बल्कि साड़ी तो सियासत भी ना चपेड़ा वाली कबड्डी बन चुकी उस्ताद बोहतरम साडे बखालफ हले तक नहीं पहुंचे पहलवान जी उन्होंने तुम्हें चैलेंज करके साड़ी गैरत नूं ललकारे है इस पहलवान दे लगोट नूं ते लैस भी लगी है बकवास कर डेक लाके जांदे लो जी बचे हो गैर होवे जिन्ना मेरा अदब करते हो ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਗਿਓ ਓਏ ਕਾਲੇ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਸਾਜੀ ਜਾਸਤੇ ਆ ਜਾਤੇ ਖਲੀਫਾ ਜਾਸਤੇ ਜਾਬੇ ਤੇ ਵਾਇਰ ਹੋਵੇ 3 ਡਗ 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 ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ 1 2 ਤੇਰੇ ਮਿਹਰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਬ ਆਪਣਾ ਗੋਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਓਏ ਹੋਏ ਜੋਜ਼ਫ ਫਰਨਾਂਡੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ 'ਮੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਨੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਾਜੀ
ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜੀ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਦਫਾਓ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਗਾਰੀ ਚਾਕ ਚਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਗਾਰੀ ਚਾਕ ਚਿਕਾਰੀ ਜੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੱਠਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੱਠੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਦੌਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕੀਰਾ ਫਰਨੈਂਡਸ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸ਼ਕੀਰਾ ਕੀ ਯਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਾਓ ਭੱਬੂ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੱਠੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਦੌਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਰਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇਰੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੇਲੇ ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਧਰੇ ਡੇਗੀ ਨਾ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੰਗਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਤਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪ ਅਕੇਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਗਵੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾ ਬਾਂਡੀ ਕਰੀਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਦੋ ਢਾਈ ਅਕਸੀਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੰਗਲ ਚੜਿਆ ਦੰਗਲ ਅੱਗੇ ਭਲੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾੜੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਕੱਲਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਦੰਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੈਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰੀਨਾ ਤਲਕਾ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੂਰਜ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਈ ਪੱਠੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਲਾਲਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਯਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੱਬਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਰਫ ਤਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੀ ਗਾਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਰਖੜਦੀ ਐ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਐ ਚਾਰੇ ਮਗਸ ਐ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਜ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਈਆ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਡੱਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲੇਗੀ ਓਏ ਲੈਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੂਫਰ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੂਫਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮੀਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋੜ ਲੈ ਆ ਚੌਥਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਫਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਸ ਫਿਰ ਲਾਫਟਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲਾਫਟਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਇੱਕ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ ਲੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਕਾਢਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਬ ਦਾ ਪੱਤਾ ਗਈ ਸ਼ਕੀਰਾ ਯਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ
मैं उन्हें पहलवानों के खिलाफ हाँ जो मैन्युफैक्चर इतने होंगे ने तो इंपोर्ट उत्थे होंगे ने हालस इंपोर्टेड पहलवान तो बहुत अच्छा होंगे वैसे पहलवान जी तू गल करे ना थले लिख भी दिया कर मेरी बात करने का मतलब ये था कहता से मैं कोई यू टर्न नहीं लूंगा तो मरेगा कितों देखो बरकता पै गई कि नहीं आने साढ़े पास लाफ्टर लिया कि नहीं लिया भाई बाप या बाप दादे तो खादम तादे क्या मास्टर यस आई वांट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू मैं कुश्ती तो लड़ रही नहीं तो मैं लड़ाई की मैं करूंगा लड़न तो आदे दुश्मन तुसी लड़नी नहीं है कुश्ती मैं लड़नी है भाई बाप तू सिर्फ इतने हाथ रख दे बस ताजी ट्रस्ट मी नो So let's take a short break in Mastiyan. We'll continue after the break. Mastiyan mein aapko ek martaba phir khush aamdeed kehte hain aur ab dekhte hain ki hamare paas kya khabrein hain. Ji kya khabar hai? Sabse pehli khabar hai baap se plot mein hissa na milne par beta bijli ke khambe pe chadh gaya. Aap khambe pe kyun chadhe the Mirza sahab? Sir wo meri jaidad ka masla tha. Kitni jaidad thi todi? 10 marle. Log mujhe kehte niche aa jao. Main niche nahi aaya. Utrda hi nahi si. Phir unhone is tarah kiya hai. Unhone bijli wali taar khichi hai. Unhone khambe nu laayi hai. भाई एक सैकेंड थले आया मिर्जे का बड़ा चिट्टा रंग सी काला कैसे ये भी अपनी बुढ़ी मना ना पठा नहीं होंगे चिमनी से चढ़ गए वो सारा धूं मूह से वजह वेखो की हाल होता है आप सही कह रहे लियोनार्डो डिकैप्रियो हों जो पढ़े लिखे का फायदा हम तू जाके थिएटर किसी दस भी नहीं सकते असल कैफी ने मैं की क्या तुम ओरी गल करो मैं नहीं दस सकता इन्हें की क्या Leonardo DiCaprio. Oh my God. Oh, Leonardo DiCaprio. ये मेरी बात तो एक मिनट में कैच करते हैं ना? आप जिस दिन हम इंग्लिश में कोई बात करते हैं तो नेक्स्ट डे आप फरफर बोल रहे होते हैं क्या मैं पढ़ा लिखे आदमी है मैं कोई अनपढ़ लाला करे कोई सवाल इंग्लिश में हेलो माई फ्रेंड लो ये सवाल जिन मैं क्या होती अपनी ये नीक रह गई लाले वर्ग अंग्रेज वाइट हाउस के बाहर बैकग्राउंड में अंगूठिया बेच रहे आपको यकूत सूट करता है यकूत पहले ये फरोजा है लो जी मैं तो दसा इतजाज की अजीब होया हेलो हांडी गलत पक गई लून बहुता पै गया अच्छा, दादाजी ने दादी विच ना आवे दादी ना नासिर भाई आप समझ नहीं रहे हांडी किसने गलत पकाई होगी नहीं हो सकता है कि इनर दी वाइफ ने साडी बहन ने ना ना दादा है तो दादी तो होगी दादी जी ने बनाई लो और नमक ज्यादा पै गया दादाजी ने इत्याज कर दिया तीन दिन उन्होंने रोटी नहीं खाधी नमक ज्यादा पै गया इहदे दादे ने ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया ओ घर दे विच उड़न लग पिया गुस्से से दादी नू कह रहा तू इतना नमक पाया को तेनू पता साडे खानदान च किसी ने इतना हलाल ही नहीं कर रहा तू क्यों पाया और दादी ने छाते बह के दर्जी बुला के अपनी मैक्सी सवाई ने सुनो टीवी नसे सब इत्तेजाज बड़े बड़े बहाने ना होंदा है कई बंदे डेड बॉडी उत्ते अपना अपना हक जता रहे होंदे हाय परसों मैनू कहन डिया है सामने आनी बहर वाली मार्केट से दो दुकाना मैं भैन नू देनी सजे खबे सुन लैन के भैन दी दो दुकाना हो गई तो पता मरिया बंदा कर देंदा और मैं उन लोगों पे हैरान हूँ जब किसी खातून की डेथ होती है तो उसके कानों के गोल्ड का सिर्फ वेट हो रहा होता है कि डिवाइड करना है ये तो हमारी अखलाकियात का जवाल है ना नहीं वैसे उकाशा जिस मुआशरे में हम रहते हैं यहाँ पे रिश्ते से ज्यादा पैसे को अहमियत दी जाती है अच्छा लाला ना सवाल करके ना थले बढ़ना है अपने बाप से प्लॉट में हिस्सा चाहिए था तो वो मुजाकरात उनके कामयाब नहीं हो रहे होंगे तो वो खंबे पे चढ़ गया एहतजाज करने की खातिर शोर मच गया जब वो खंबे पे चढ़ा जाहिर बात है अपनी जिंदगी उसने खतरे में डाल ली थी तो पुलिस ने उसके साथ कामयाब मुजाकरात किए कि आप नीचे तशरीफ ले आए लेकिन अभी तक उसके और बाप के दरमियान में क्या मामला तय पाए हैं अभी तक तहकीकात जारी है नहीं वैसे मुझे ये लगता है कि बच्चों में ना इक्वालिटी रखनी चाहिए पेरेंट्स को पुत्र तुम्हें कुछ बोलेंगे या किस दिन आके के बोलेंगे लाले ने पिछले शो में गलत कटियां की ने ऐस खंभे पे चढ़ गया सी जी अगली खबर क्या है अगली खबर है कि एक ऐसा जहीन बंदर सामने आया है जो 9 साल तक रेलवे में मुलाजमत करता रहा अरे बहुत अच्छे माशाल्लाह आपकी फैमिली थी तरक्की कर गई यार ये सब टाइम जानवर बड़ी तरक्की कर गए हैं जी 9 साल लगा रहे होते जे तो इंडिया का वाक्य था फिर नहीं नहीं साउथ अफ्रीका का वाक्य इंडिया का नहीं है अच्छा शुक्र है कोई तो निकला इंडिया से इंडिया के बंदर चोरियां करते हैं पता नहीं आपको उदी अनक लाके दौड़ गया जिन्हें अनक लाके वापस दिए वो तो ही बंदर सी पैसे लेने थे वापस लाके देने क्या क्या ट्रिक सिखाया मैं बंदरों को हाँ साउथ अफ्रीका में एक शख्स था जेम्स
तो वो माजूर था, एक दफा वो गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बंदर है जो दो बैलों को लेके जा रहा है, उनको लीड कर रहा है। बड़ा इंप्रेस्ड हुआ, वो बंदर के मालिक के पास गया और कहा कि आप ये बंदर मुझे बेच दें, जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगा। तो जब मालिक ने देखा बंदर के ने कि जेम्स बेचारा खुद ही माजूर शख्स है, तो उसने ऐसे ही बंदर ना जेम्स को दे दिया। और जो जेम्स था वो एक्चुअली रेलवे में मुलाजमत करता था, कांटा बदलता था, उसने वही काम उस बंदर को सिखाया। और पूरे 9 साल तक वो बंदर वो कांटा तब्दील करता रहा और उसने कभी कोई गलती नहीं की। खुदा का वास्ता सादर रफीक साहब को कह के ना इतने भी को 25 बंदर पर तिकरा दे। मेरे सामने बंदर भी रखा है। वो बंदर मेरे ना बहुत प्यार करता है। अच्छा। और सुबह मैं नाश्ता बना के दिंदा सी। तुहाड़े लिए नाश्ता लेके ही आंदा मंग के। एक दिन अपने बुआ के लेटी जा रहे सी। अच्छा। किसी ने कहा की होया, कहिंदा पहले तो लोग बंदर नूं तवीज़ पाते सी, हुण मेरे को मालक नूं पा गया। एक दिन बंदर ने इन्हू बर्गर लिया के दिता, कहिंदा शुक्रिया, उन्हें थप्पड़ मार के क्या अद्धा अद्धा कर मामा। तो काम क्या क्या लेते हैं आप बंदर से? वीरा जी मैं काम से वापस आता था, दरवाजा खोलता था। अच्छा। और जब मैं घर से जाता था मुझे बाय बाय करता था। तो क्या बंदर गुजर गया, फौत हो गया? वो बंदर है, बंदर है वे। अच्छा। वो समझदार हो गया। अब वो काम पे जाता तो ये बाय बाय करते। अच्छा अजहर साहब आपने क्या पेट रखा था? यार मैंने पेट क्या रखने थे, मेरे घर के पास ना एक रेड़ी वाला था, उसका एक गधा था, एक दिन गुम हो गया। उसका भाई जो था ना मालिक, मेरे घर आके उसने बैल दी। हाँ। तो कहता है तेरा कजन नहीं लग रहा। नहीं वो ऐसी बात नहीं, उसने कहा कि अपने ना कैमरों की फुटेज में देखें गधा किस टाइम यहाँ से गुजरा है। घर कैमरे ना घोड़ा घोड़ी खोता खोती आराम ना ला जाते, बल्कि खोता लंघ रहा ना बंद लेंदा ही नहीं, सफाई करनी हो ना फूक मार दा सफाई। गड्डी घर दे बाहर खड़ी करे ना घर लुक जांदा है। मैं कसम चुक के तुहानू दस दिंदा कि अज मैं शो ते इन्हां दी गड्डी ते आया। ओए होए अच्छा। अच्छा जी। हाँ जी, और मेरी गड्डी किधर गई सी? अच्छा जी। मैं इन्हां कॉल कीती, मैं कहा साहब अपनी गड्डी भेज दिओ, ये साडा बच्चा हैगा ऑक्सी। अच्छा। मैं उन्होंने कहा बेटा एसी चला दे। ओए होए, जो तूफान दा तुसीं सुन रहे हो ना कि आ रहा है हाइपर जॉय, भाई एसी चो इंज मिट्टी निकली है। हूँ मैं सैर तक ला ला गड्डी वज जानी है अंदर, इन्ना कशा हो गया। क्योंकि इन्होंने कभी एसी चलाया नहीं है, वो बंद रहता है। जून के महीने में एसी नहीं चलता। मैं हाथ वाला पक्का रखे हुआ है, हाथ वाला पक्का रखे, एक हाथ ना गड्डी चलांदा है, एक हाथ ना नाल दे बंदे बैठन चलता भी रहता। तुहानू पता है कि गड्डी चल रही होवे ना तो गर्मी है तो पसीने आए ने, एसी कहने लग बंदा चला ला मैनू। एडा स्पीड ब्रेकर आवे ना गड्डी टप्पे तो पिछो डिग्गी खुल जाती, और जोर ने डिग्गी बंद करे तो बोनट खुल जाता। अगर गड्डी लत मारो सारी गड्डी खुल जाती। एक किलोमीटर गड्डी चलावे ना तो गड्डी तौलिया कट के अपना मुंह साफ कर दी। तो नेक्स्ट खबर क्या है जी? खबर है कि दुनिया का बुलंदतरीन रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पर वायरल, बादलों के दरमियान मजेदार खाने खाएं और लुत्फ उठाएं। अरे बिल दे सके तो फिर आप भाग भी नहीं सकते कहीं, ऐसे नहीं तो निकलेंगे कैसे? ये रेस्टोरेंट दे टिशू तो नहीं देंगे, थोड़ा जा बदल तोड़ के मुंह साफ कर। वैसे हजारों फीट बुलंदी के ऊपर रेस्टोरेंट होगा तो वाकई बादल आसपास ही घूम रहे होंगे। इतनी ऊंचाई तो कान बंद हो जाते, इशारे नाल ही पूछते होने की खाना। अच्छा वीना मुझे ये बताएं कि ये कोई टॉप है जो बादल है इर्द गिर्द या कोई अलग से कोई झूला लटका है? ये क्या है? अच्छा कुछ तो बताएं कि आखिर यहाँ पे लोग जाते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। हफीज जालंधरी ने क्या खूब फरमाया था, नजर आती ही नहीं सूरत हालात कोई, अब यही सूरत हालात नजर आती है। लगता है उन्होंने शेर लिखा ही पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर था। वो यूट्यूबर्स जो पहले पाकिस्तान का फ्यूचर बताते थे, आजकल पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रहे हैं। अवाम को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि वो किसकी बात का यकीन करें, मुबसरीन का, यूट्यूबर्स का या फिर सियासतदानों का। वैसे सियासतदानों का नाम मैंने मुरावतन लिया है। जब कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो तो हम तुम रब्ता करते हैं बाबा वांगा से। आइए उनसे मुस्तकबिल का मंजरनामा पूछते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ बाबा वांगा।
नाराज क्यों बैठी हैं आप? साडे नाल प्यार नाल गल करो, इसे तुहाडे गाने बनाए ने। कौन से? ओ बंगलौर दा होवे ते पावे चंगे दा, वांगे वाला खैर मांगे दा। वीना फिर मैं भी एक गाना गाना चाहूंगी। गा दे, आप भी गाएं। वांगा वांगा मैं तेरे नाल ढोलना वे, वांगा वांगा मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी वांगा कोलना मैं ते वांगी गई। पारिया आपको गाना नहीं आता? गाना आता है, लेकिन बाबा वांगा से मेरी पहली मुलाकात है। तो हर बार मैं प्रेजेंटेशन करती हूँ। ओहो, एक मिनट। चलो जी, आप लोगों के गाने का इतना तो असर हो गया, बाबा वांगा का मूड ठीक हो गया। बाबा वांगा जी की पुरानी अंगीठी वर्गा मुंह बना लिया, एडी सफेद अंगीठी तेरा प्यो बनांदा। वाह, चश्मा दफा दो। बाबा वांगा इज टॉकिंग टू एवरीबॉडी एक्सेप्ट मी। अच्छा, मुझे तो लगता है कि बाबा वांगा यहाँ पर किसी के लिए आती हैं। किसके लिए? बाबा वांगा की जूता। ये जूता पाकिस्तान के सफर में टूटा है आपका? भाई वीना देखे, पहली बात तो ये है कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ ये नहीं पूछोगी? मुझसे क्यों नाराज है, पूछ रही हूँ मैं। क्यों के इतनी देर बाद तुमने मुझे बुलाया? अच्छा बाबा वांगा, मेरे पास आपके लिए गाना है। वाओ, नाइस, सुनाए। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नाइस। शौक भर न जाए कहीं। आपके गाने को चार चांद लगा दिए बाबा वांगा ने। क्या होता लाज तेरी जे हो जाए, इन्होंने मुंह बनाया। बाबू सर टॉप ते हो जी, और तू पूछ रहे आप कौन? बेटा मैं अभी ग्लेशियर से गिरी हूं। तुम मुझसे मुस्तस्ना हो। मुस्तस्ना क्यों? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। सरदार साहब आपसे मुसलसल शर्मा रही हैं। मैं सदके जावा मेरी चूने वाली बर्फी। You are actually flirting with Sardar Saab. मैं जब से आया हूँ मैंने नोट किया है। क्या? ये कनखियों से मुझे देख रहा है। सरदार जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये क्या मतलब? नहाई में गिरते हुए को बाबा वांगा का सहारा। अम्मा जी इतनी देर तुझे किथे थो? अरे वाह, मुझसे दो साल छोटे। अच्छा, प्रिडिक्शंस करने से पहले ये तो बताएं, जूता कैसे टूटा? दुनिया घूमते घूमते देखो कि मैंने कितनी ख्वारी काटी है, जूते की हालत हो गई है। ओह, तो चेंज कर ले जूता, लगता है पाकिस्तान में आपकी कमाई कोई अच्छी नहीं हो रही। अरे खास चेंज करो, जब से मैं इस मुल्क में शिफ्ट हुई हूँ हमारा तो जिंदगी अजाब हो गया है। क्या हुआ? आए, आए, क्या हो गया? आए, मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। बाबा रनआउट क्या गेम है? पाकिस्तान में तो आप अपनी चॉइस से है ना, आपका कौन सा ECL में नाम डाला हुआ है? यानी कि बाबा वांगा से सियासी बातें, सियासी टोन। बाबा वांगा, आपसे मैं सियासी बातें करूंगी ना, और क्या, आर्ट एंड कल्चर पे बातें करूं? बाबा वांगा जी, जी सरताज, जी सरताज। सरदार साहब, ये उन्होंने सरताज कहा है या सरदार? तुम्हारी इस गल ने यकदम मेरी अखां के सेहरे लैन देने। ओहो, ये बताए ना कि परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे? देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, बल्कि उनके छोटे छोटे बयान जो है वो उनकी वीडियोस रिलीज होती रहेंगी। अच्छा, असल में मामला ये है कि मुल्क के लिए कौन आगे जाएगा, कौन? ये मैं आज बताऊंगी। अंडेरी गंडेरी मीठा रस, अंडेरी गंडेरी मीठा रस, आज प्रेडिक्शन नहीं होगी, बस प्रेडिक्शन मेरे हाथ में आ गई है। ये हाथ पतंग खींच रहे हैं ये। बड़ी मुश्किल प्रेडिक्शन है जो हाथ ही नहीं आ रही। भाई, इस मुल्क को वो आगे लेके जाएगा जो इस मुल्क से मोहब्बत करता हो। कौन है वो? मेरी जान है। ये बाबा वांगा को क्या हो गया? बाबा वांगा एक्चुअली रोज टू फेम 9/11 के बाद, क्योंकि 1989 में उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि दो आहिनी परिंदे बड़ी बड़ी इमारतों से टकराएंगे। उसके बाद 9/11 का वाकया हुआ एंड शी बिकेम फेमस। अभी लग रहा है कि ये प्रेडिक्शन इन्होंने की थी। बाबा वांगा, मुझे भी बताए ना,
कि मेरा फ्यूचर कैसा है? हमारा फ्यूचर तुम्हारा जैसा है, गोल बताओ। ईद आ रही है बाबा मांगा, ये बताएं कि बकरों के रेट नीचे आएंगे या नहीं आएंगे? देखे अगर आप सस्ते बकरा चाहते हैं तो शाहपुर कांदना वाली मंडी में ना जाए, थोड़ा सा और आगे जाए, एक और मंडी वहां लगती है, वहां आपको बकरे सस्ते मिलेंगे। वाकई एक मंडी लगी नवी जी? अच्छा, वो लगी है सुंदर, ये पीछे लगी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत जिंदा दिल है। हाँ, आपने एक मुर्दा दिल को जिंदा किया। अल्लाह जानता आधा घंटा हो गया मेरे को क्यों मांग रहा। आज के बाद आपने मेरी मर्जी के बगैर ये नहीं करना, ना उई ना आए। ठीक है ठीक है, एक मच्छर की लड़की। बहरहाल वीना कोई और सवाल है तो करो। क्यों नहीं, बहुत सवाल आते हैं, बताएं ना IMF से डील होगी या नहीं होगी? ये आपका वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। जवाब ये है कि आगे आने वाले दिनों में, एक मिनट मैं प्रेडिक्शन को बुलाऊं। हाँ बुलाएं। प्रेडिक्शन अंडेरी गडेरी मीठा रस, नहीं ये नहीं दूसरा, कोकला छुपा के जुमेरात आइए, कोकला छुपा के जुमेरात आइए, वो देखो वो देखो मेरे प्रेडिक्शन आए हैं। बड़ी मुश्किल से प्रेडिक्शंस आ रही हैं आज बाबा बांगा के पास। ओ रस्सी टूट गई। जानो अपना ये जो रूस से तेल आया, ऑयल आ रहा है, वो पब्लिक तक पहुंचेगा सस्ता? तेल को मारो गोली, शाम को कॉफी कहां पिए सरदार? एक दफा यूं करके ठा करो जरा। आए, मार देता है जालिम क्यूपिड। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।